हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन होने के कुछ कारण और इसका एक घरेलू उपाय, जिससे कि लेडीज को खासकर ये प्रॉब्लम होती है। खासकर जो टीन एज से लेकर के 35-40 साल की एज के बीच में ये प्रॉब्लम काफ़ी नॉर्मल हो गई है, काफ़ी कॉमन हो गई है। लेडीज में भी जेंट्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम का ये सामना करना पड़ता है। प्राइवेट पार्ट में खुजली आपको हो सकती है, जलन आपको होती है, तो ये होती क्यों है? देखिए, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को साफ नहीं रख रहे हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन, ये सब चीज़ें की सामना करना पड़ सकता है। या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया हो प्राइवेट पार्ट में आपके, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्राइवेट पार्ट में खुजली का मैं आज आपको जो घरेलू उपाय करके दिखाऊंगी, आपको मैं बना के दिखा रही हूँ, जो आपको यूज़ करना है सिर्फ एक दिन में, एक बार से आपको प्राइवेट पार्ट की खुजली और जलन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। अगर बहुत पुरानी खुजली है, बहुत काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो आपको सिर्फ 4 दिन में इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो आज मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ, एक जो आपको लगाना है प्राइवेट पार्ट पे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इसमें हमें चाहिए लहसुन यानी कि गार्लिक, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल और इसमें हमें चाहिए सैवलॉन। ये तीनों चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अब हमें इसको बनाना कैसे है और लगाना कैसे है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमने ये लिया है लहसुन, ये 3 कलियाँ मैंने ली हैं इसमें, इसको हमें छोटा छोटा काट लेना है। ये हमारे पास है कोकोनट ऑयल और ये हमारे पास है सैवलॉन। अब देखिए हमें करना क्या है, इसको हमें छोटे छोटे भागों में काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इसको काट लिया है। अब हमें क्या करना है, किसी छोटी सी बर्तन में, ये देखिए मैंने रखा है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नारियल का तेल। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास नारियल का तेल है, इसको हमें डालना है इसमें। ये आप थोड़ा सा बना सकती हैं, ये मैं थोड़ा सा डालकर आपको दिखा रही हूँ। इसमें अब आपको क्या करना है, ये डालना है इसमें, ये देखिए, ये हमने नारियल के तेल में डाल लिया है। अब इसको हमें इतना पकाना है कि ये जो लहसुन है या गार्लिक है, ये हमारा जल जाए। तो इसको हम पहले अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको जला दिया है गैस को। अब हमें इसको लहसुन को इतना पकाना है इस तेल में कि ये काला हो जाए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लहसुन ये हमारा काला हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तेल निकलकर तैयार हो चुका है। इसको आपको अब इसमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका है, आप देख पा रही हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें मिलाना है, हमारे पास है सैवलॉन, आपके पास डेटॉल हो तो डेटॉल भी मिला सकती हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा ये मिलाना है इस तरीके से, देखिए मेरे पास सैवलॉन है, थोड़ा सा हमें इसमें सैवलॉन मिला लेना है। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपके पास डेटॉल है तो आप डेटॉल इसमें मिक्स कर सकती हैं। और इसको आपको लगाना कब है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको लगाना है रात को सोते समय। आपको प्राइवेट पार्ट पर कब कैसे लगाना है, आपको प्राइवेट पार्ट को पहले अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद, सूखने के बाद साफ करके अच्छे से, उसके बाद इसको ये रात को आपको लगाना है। और सुबह जब आप इसको धोएंगे तो थोड़े गुनगुने पानी से इसको साफ करें, धोएं, और इसका एक ही दिन में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। आप ज़रूर यूज़ करके देखें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।